गुड मॉर्निंग। और आज दिन है मंडे का, तारीख है 2 मार्च, और आज मेरे भाई का बर्थडे है, तो मैं उसको यहाँ से बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार देना चाहती हूँ। और वो दुनिया का सबसे अच्छा भाई है, तो मैं उसे चाहती हूँ कि बहुत खुश रहे, हमेशा सक्सेसफुल रहे। तो हैप्पी बर्थडे भैया पंकज। और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय सुबह की, क्योंकि रात वाला जो दूध था वो फट गया था, तो सुबह हमारे यहाँ ब्लैक टी बनी थी, और ब्लैक टी मुझे पीना कम पसंद है। मेरे हस्बैंड को ब्लैक टी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ब्लैक टी कम पसंद है। वैसे मैं पी लूँ, लेकिन सुबह सुबह मुझे जब तक अच्छी अदरक इलायची वाली चाय ना मिल जाए, मेरा दिन शुरू नहीं होता है। तो अभी यहाँ मैं बना रही हूँ, एक तरफ चाय और एक तरफ मैंने रख दिया वो फटे वाला दूध, थोड़ा सा इसका पानी जलाऊंगी और उसके बाद उसमें से पनीर निकालूंगी। तो वो रख दिया, एक तरफ चाय रख दिया है। अंश और अंश के पापा जा चुके हैं, तो अंश के पापा को तो चाय उनके ऑफिस में मिल ही जाती है, मुझे तो अपने लिए खुद बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, उसके बाद स्टार्ट करूँगी घर के सारे काम। तो नाश्ता वगैरह काम तो हो चुका है, मैंने नाश्ता नहीं किया है, चाय पीऊँगी उसके बाद अपने काम स्टार्ट करूँगी। 2 दिन पहले क्या हुआ था कि मेरी जो नाइटी थी, एक धुलने डली हुई थी और एक सूखी नहीं थी, मतलब मैंने हाथ से धोया था, ड्रायर नहीं किया था मशीन में, और बारिश आ गई थी, मौसम भी सही नहीं था, तो वो नाइटी सूखी नहीं थी। तो रात को क्या हुआ कि मैंने अंश की टी शर्ट पहन ली थी, अंश की टी शर्ट मुझे इजीली आ जाती है, बट उसमें यहाँ पे ग्रिप था, तो मैं उस टी शर्ट को पहन ही नहीं पाई, और रात को करीबन 2 बजे तक मैं जगी रही, सो ही नहीं पाई। मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बांध दिया हो, बिल्कुल बहुत टाइट बांध दिया हो। तो बस वो टी शर्ट मैंने चेंज की और गीली नाइटी ही पहन के मैं सो गई, मतलब इतनी ज़्यादा गीली नहीं थी कि बहुत ज़्यादा गीली हो, थोड़ी थोड़ी सी गीली थी, बट गीली थी, तो वही नाइटी पहन के सो गई। फिर कल इन्होंने कहा कि चल तुझे मैं टी शर्ट दिला के लाता हूँ, टी शर्ट्स मेरी रखी हुई है पुरानी वाली, बट अभी वो दीवान में है, दीवान से बाहर नहीं निकाली है मैंने, और मुझे टी शर्ट लेनी भी थी, तो ये वाली टी शर्ट लेके आई हूँ मैं। एक और टी शर्ट लेके आई हूँ, वो भी दिखाऊंगी आपको। और कल थोड़ी सी जल्दी थी क्योंकि अंश घर पे था और डिनर बनाने का टाइम हो रहा था, तो हम जल्दी जल्दी आ गए, तो 2-3 टी शर्ट्स और लेके आऊंगी, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल गया था। 125 की एक, हाँ 125 की एक पड़ी है और एक 100 रुपीज़ की पड़ी है, सेल में मिल रही थी, तो ये लेके आई हूँ मैं। और ये काफ़ी हल्की हल्की ऐसे थोड़ी लूज सी टी शर्ट मैं गर्मियों में पहनती हूँ, मेरे से गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो इसमें मैं एक तरफ दूध रख देती हूँ गलने के लिए, और आज मुझे शूज एक साफ करना है क्योंकि सर्दियाँ खत्म हो गई हैं, तो सर्दियों के जो फुटवेयर है वो अलग करूंगी मैं। बदलते मौसम में यही होता है, गर्मियों के कपड़े निकालो, सर्दियों के कपड़े निकालो, अलग करो, गर्मियों के कपड़े अलग करो, पूरे साल बस यही करते रहो। एंजॉय तो होता है, अलग अलग वेदर का अलग अलग एंजॉय भी होता है, बट अब सारे कपड़े अलग रखो, सर्दियों के निकालो, गर्मियों के अलग रखो, बस यही आजकल यही चल रहा है। मेरे ख्याल से आजकल हर घर में यही चल रहा होगा, वेदर काफ़ी मतलब कि चेंज हो गया, लेकिन धूप जो होती है ना बहुत अच्छे वाली, जिसमें कि रजाई वगैरह सुखाया जाए, गद्दे सुखाया जाए, वैसी वाली धूप यहाँ नहीं हो रही है। आपके यहाँ वेदर कैसा है वो बताना। और बादल बादल वाला मौसम यहाँ, मतलब शिवरात्रि के दिन से यहाँ वेदर है क्लाउडी, तो गद्दे रजाई अभी नहीं सुखा रही हूँ मैं, और शॉल वगैरह जो है इजी वॉश वाले वो स्टार्ट करूँगी। आज पहले शूज है मुझे क्लीन करना है, उसके बाद मैं क्लीनिंग करूँगी, झाड़ू पोछे वाला काम। और यहाँ मैंने दूध रख दिया है, चाय मेरी उबल गई, पी लेती हूँ चाय। और मेरे जैसे टी लवर मेरे घर में कौन कौन है मैं बताती हूँ। मेरी बड़ी वाली जिठानी जी हैं मेरे जैसे, और मेरे घर की बड़ी वाली बहू, मतलब मेरी जिठानी की जो बड़ी वाली बहू है वो, और छोटी वाली उसके बिल्कुल उल्टा है, वो चाय पीती ही नहीं है। तो इतने हम घर में 3 जने टी लवर हैं। और हाँ, सुबह मेरे से ये एक पेपर पे साइन करवा रहे थे, तो इनको कुछ काम था बैंक का करना था, तो इन्होंने मेरे से सुबह सुबह कहा कि तुम साइन कर दो, मैं एप्लीकेशन बाद में लिख लूँगा ऑफिस में जाके। तो मैंने इनसे कहा मैं साइन नहीं करूँगी, आप पता नहीं उसमें क्या लिखोगे, मैं नहीं साइन करूँगी। ऐसे ही मेरी किसी फ्रेंड को उसके हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया था, और ये सही बात है, वो मेरी जो फ्रेंड थी उनकी मतलब निन्नी शादी हुई थी, और उसका हस्बैंड उसे लेके गया मूवी दिखाने के लिए, और उसने पेपर पे साइन करवा लिया था ब्लैंक पेपर पे, उसने कहा था कुछ प्रॉपर्टी वगैरह का काम है तुम साइन कर दो,
तो उसने साइन कर दिया और उसे वो थिएटर में ही छोड़ के चला गया था। और वो लड़की वहां रोती रही, कई घंटों तक रोती रही, और उसका हस्बैंड वो नहीं आया। फिर वो बहुत पहले की बात है, उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं 11वीं 12वीं या ग्रेजुएशन, नहीं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी मैं, और जैसे पड़ोस में रहते हैं वैसे ही वो थी। और वो रोती रही रोती रही। उस समय इतना सबके पास मोबाइल भी नहीं होता था, कैसे कैसे करके वो घर पे आई। तो फिर वो चीज़ आज जब इन्होंने कहा कि तुम साइन कर, तो मैं एप्लीकेशन बाद में लिख लूँगा, तो फट से वो वही बात मेरे दिमाग में आ गई। वैसे ऐसा तो कुछ नहीं करेंगे, मुझे पता है। अब थोड़ी ना शादी कितने साल बाद थोड़ी ना ऐसा करेंगे। तो बस मैंने इनको ऐसे ही कहा, तो इन्होंने कहा तुम्हारी मर्जी, नहीं साइन करना है मत करो। फिर इन्होंने कहा मेल कर देना, ये करना। मैंने कहा लाओ साइन कर ही देती हूँ। अब इतने टाइम इतना भरोसा तो है ही, कि इतने अप्स एंड डाउन्स पे जिसने इतना साथ दिया है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, मुझे बनाना है लंच, क्योंकि अंश के जो एग्जाम है वो शुरू हो चुके हैं, तो वो अभी टिफिन लेके नहीं जाता स्कूल। तो बस यहाँ मैं बनाऊंगी छोले, और छोले मैंने एकदम अचानक से मेरा प्लान बना कि मुझे छोले बनाने हैं। छोले मैंने रात को नहीं भिगोया था, सुबह भिगो के रख दिए थे छोले मैंने। तो मैंने जिस कढ़ाई में सुबह सब्जी बनाई थी उसी कढ़ाई में मैं बना दूंगी। और चावल भिगो के रख दिया है मैंने, तो सुबह मैंने गर्म पानी में छोले भिगोए थे। और अभी उबालते टाइम पे मैंने इसमें थोड़ा सा सोडा डाल दिया था। अभी कुकर खोल के चेक नहीं किया है कि छोले कैसे उबले हैं कैसे नहीं। तो ये मैं चढ़ा दूंगी कढ़ाई, और मेरा मन कर रहा था छोले चावल खाने का, इसलिए मैंने छोले बनाया। अंश ने नहीं कहा था, मैंने अपने मन से बनाया है। अंश को चावल पसंद ही नहीं है, बट मैं मेरा मन कर रहा था बनाने का। तो इसमें मैंने प्याज पीस लिया है, और इसमें टमाटर का पेस्ट है। और जिस दिन से वो वाला पेस्ट लेके आई, चटनी लेके आई ना, मिर्ची और लहसुन वाली, लहसुन मिर्ची की चटनी, यही मैं लहसुन मिर्ची की पेस्ट के ये यूज करती हूँ, और दूसरी चीज में यूज नहीं करती हूँ, बनाती नहीं हूँ अलग से। अभी कढ़ाई में थोड़ा सा पानी है, वो सूख जाए फिर मैं बनाना शुरू करूँ। मैं इतने कुकर खोल लेती हूँ। हाँ गल गए छोले अच्छे से। दब जा रहे हैं मुझे से, मतलब कि छोले अच्छे से गल चुके हैं। मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ, और इसमें मैं नमक नहीं डालूंगी, क्योंकि उबालते टाइम पे मैंने इसमें नमक डाल दिया था सोडा के साथ, तो इसमें मैं नमक भी नहीं ऐड करूंगी। मैं इस छोले को एक इस बाउल में निकाल दे रही हूँ, और इसमें चावल चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि अंश को लग गई है भूख। और मैंने तो अभी अभी जस्ट नाश्ता ही किया है, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं नाश्ता करती हूँ या लंच करती हूँ, मेरा काम करते करते इतना टाइम हो ही जाता है। और ये जो टी शर्ट मैंने पहना हुआ है, ये वाला भी मैं विशाल से कल लेके आई थी, दो टी शर्ट, एक जो येलो वाली है वो, और एक ये।
तुम्हारे खाने की तैयारी कर रही हूँ। खा के मार्केट चलना है। कल मेरे से निकलवाए थे, बोले निकाल दोगे फिर बचने लगेगा। वो मैच से कहते बंद करने के लिए कुछ थोड़ी ना बंद करते हैं। यहाँ मैंने चढ़ा दिया चावल, ये मैं डाल रही हूँ जीरा। तेल ज्यादा गर्म हो गया इसलिए मैंने फ्लेम को कम कर दिया, जीरा डाल दिया मैंने। थोड़ी सी डालूंगी हींग, और ये डाल दूंगी मैं प्याज का पेस्ट। लिक्विड वाली कोई चीज बनानी होती है तो मैं इसी में ही बना लेती हूँ, क्योंकि ये कढ़ाई थोड़ी सी गहरी है तो इजीली बन जाता है। ऐसे बनेगा तो बहुत थोड़ा सा ही मेरे लंच के लिए, बट फिर भी ये लगी हुई थी कढ़ाई तो मैंने इसी में ही बना दिया। और सुबह सब्जी ज़्यादा बनानी पड़ती है क्योंकि सबके लंच मतलब टिफिन भी पैक करना होता है और सबको खाने के लिए भी देना होता है, तो सुबह मैं सब्जी ज़्यादा बनाती हूँ। और इसी प्याज में मैं ये वाला डाल दूंगी, मिर्ची और लहसुन वाला जो मैं लेके आई थी। और आप देखो बस इतना सा डालूंगी मैं, इतना सा बस, और इसे वापस फ्रिज में रख दूंगी। और ये प्याज में से जो है ऑयल अलग होने लगा है, अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी ये पिसा हुआ। मुझे अपना वो जैकेट देना है ड्राई क्लीन के लिए, या जाओ तुम शाम को दे देना। टमाटर डाल दें इसमें, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डालूंगी। अब फ्लेम मैंने तेज कर दिया है, इसी में साथ के साथ छोले मसाले भी डाल दूंगी मैं। डिनर की प्रिपरेशन हो रही है, सत्तू के पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ और ये मैं सत्तू निकाल रही हूँ बाउल में। वाले स्टफिंग में मैंने अजवाइन डाल दी थी और प्याज काट के डाल रही हूँ, और प्याज मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा लगती है। अंशांश मेरे से कुछ बातें कर रहा है,
तो उसकी बातों पे मैं हंस रही हूँ और साथ साथ में टीवी पे गाने चल रहे, तो वो गाने भी सुन रही हूँ। और आँखों की मेरी हालत देखिए, मैं देख के प्याज की तरफ देख के प्याज काट ही नहीं सकती। मुझे प्याज अपनी आँखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है मेरी प्याज से आँखों में। हेलो एवरीवन, और आज मैं आपसे इस तरीके से शायद 2-3 वीडियो के बाद ऐसे बात कर रही हूँ। और हाँ, आपसे एक बात और शेयर करनी थी मुझे कि 2 दिन पहले क्या हुआ था कि मेरे बैक साइड जहाँ मैं किचन के पीछे जो मेरी बालकनी है वहाँ पे मेरी एक पड़ोसन है, उन्होंने मुझे बताया कि कुछ आपकी खिड़की पे चिपका हुआ है। तो मैंने कहा क्या, तो जाके वहाँ से देखा तो एक कबूतर चिपका हुआ था। मुझे लगा कि ऐसे ही लटका हुआ है। और ये बात मैंने आपको मुझे बतानी थी 2-3-4 दिन पहले बतानी थी, लेकिन मैं अब बता रही हूँ। मतलब वीडियोज़ इतनी लंबी हो जाती हैं और कई बार टाइम भी नहीं मिलता तो नहीं बता पाती। तो मैंने जाके जब देखा तो वो कबूतर मरा हुआ था और वहाँ खिड़की के पास दीवार पे बिल्कुल उल्टा चिपका हुआ पड़ा था। पंख उसके दोनों फैले हुए थे। मुझे उसको देख के ऐसा लगा था जैसे एकदम कलेजा मुंह को आ जाना, इतनी दया आ रही थी मुझे। और वो क्यों क्यों इस तरीके से मरा था, कैसे मरा था, मुझे लगा कि किसी जानवर ने काट लिया होगा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। किसी ने उसके पैर में धागे के संग ब्लेड बांध दिया था और उसका वो ब्लेड जो था शायद गले में लग गया या कहाँ लग गया ये तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन उस ब्लेड के कटने से ही उसको चोट लगी या जो भी हुआ उसके वजह से वो मरा था। और मर के बिल्कुल खिड़की की दीवार पे चिपका हुआ था और पता नहीं वो कब से मरा हुआ था। पता नहीं ऐसे कैसे लोग होते हैं कि जिनको जानवरों के ऊपर भी दया नहीं आती, तो ऐसे लोग तो जानवरों से भी गए गुजरे हैं, समझ में नहीं आता। और हाँ, उसके पैर में जो चाइनीज़ मांझा होता है वो भी लपेटा हुआ था, चाइनीज़ मांझा ऊपर से ब्लेड। तो ये चीज़, और उस दिन पूरा दिन मेरा मन ख़राब रहा, ना कुछ खाने का मन किया ना कुछ। और जब भी मैं मतलब सारे दिन उसका जो उसकी कबूतर की जो तस्वीर थी ना मेरी आंखों पे आती रही, उनके अंदर भी जान, लेकिन वो बोल नहीं पाते तो किसी को इतना एहसास भी नहीं होता है। अगर किसी का दुख दर्द हम नहीं समझ सकते तो कम से कम किसी को तकलीफ़ तो मत दो, लेकिन कोई समझता ही नहीं है। स्टिक लगाई है ये मैंने ली थी पर्पल से, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है। ये देखिए बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। और इसका कलर बहुत अच्छा है, नेचुरल सा शेड है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है। और अगर किसी को ये लिपस्टिक का शेड अच्छा लगेगा मीडियम, तो ब्रिटिश मेरा ब्रिटिश स्किन टोन है, बहुत ज़्यादा गोरी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा सांवली भी नहीं हूँ, तो मेरे ऊपर ये अच्छा लगता है। जो बहुत ज़्यादा गोरा है उसके ऊपर भी अच्छा लगेगा। तो अगर आपको ये लिपस्टिक चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसका लिंक दे दूंगी। काफ़ी अफोर्डेबल है, क्वालिटी अच्छी है। अभी मैंने चाय पी थी लिपस्टिक लगाने के बाद और कप में ये लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं लगी, लिक्विड लिपस्टिक है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और अगर आपके लिप्स ड्राई हैं या फटे हुए हैं तो पहले आप लिप बाम लगा के तभी लिपस्टिक अप्लाई कीजिए। तो चलिए, मैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। और सब्सक्राइब कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं सब्सक्राइब किया और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मैं ख़त्म करती हूँ अपनी वीडियोज़ को यहीं पे, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।